हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेशन 40 वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवेज। सेशन 39 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज जो है हम सेशन 40 पढ़ेंगे। सेशन 39 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं से रिलेटेड जो है और वर्ड्स सेशन 40 में हम पढ़ेंगे। वे वर्ड्स जो है किस रूट से बने थे और उन रूट से और कौन कौन से वर्ड बने हैं, तो वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 40 ओरिजिनल एंड रिलेटेड वर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं मनी एंड व्हाट इट विल बाय। सेशन 39 में हमने एक वर्ड पढ़ा था पेन्यूरी। पेन्यूरी वर्ड हमने पढ़ा था जिसका मतलब होता था गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीब। ऐसे लोग जिनके पास जो है खाने भी नहीं होता, मतलब खाना भी नहीं होता, बेसिक नीड्स जो होती है रोटी कपड़ा और मकान, वो उनके पास नहीं होते। वो बहुत ही जो है हार्डशिप में जीते हैं, उनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप आती है। तो अब पेन्यूरी से ही और वर्ड्स कुछ बनेंगे वो बताएंगे, और साथ ही साथ जो है मनी की भी बात करेंगे, जिनके पास पैसा होता है उन्हें क्या कहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड ऑपरेट्स लार्जली बाई मीन्स ऑफ ए प्राइस स्ट्रक्चर। जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है ये कैसे ऑपरेट होता है, ये प्राइस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। प्राइस स्ट्रक्चर पर ये जो है ऑपरेट होता है। वेल्थ एंड पॉवर्टी, मतलब एक तरफ तो जो है जो वेल्थी लोग हैं और एक तरफ जो पुअर लोग हैं, एक तरफ वेल्थ है एक तरफ पॉवर्टी है। आर देयर फॉर वर्ड दैट इंडिकेट द पोजेशन ऑन द वन हैंड। ये ऐसे वर्ड हैं जो हम इंडिकेट करते हैं पोजेशन को, एक हाथ पर तो पोजेशन को बताते हैं कि किसी इंसान के पास कितना धन है, और द लैक और द ऑन द अदर ऑफ मनी, और दूसरे हाथ पर वो हमें बताते हैं कि किन के पास जो है पैसों की कमी है। यानी कि एक हाथ पर तो है धनी लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और वहीं पर अदर हैंड बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। पेन्यूरी वर्ड जो हमने पढ़ा था ये लैटिन पेन्यूरिया से बना है, और जिसका मतलब होता है नीड या नीडीनेस, यानी कि आवश्यकता। इज डायर एब्जेक्ट पॉवर्टी कंप्लीट लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जो पेन्यूरी है ये केवल गरीबी ही नहीं है, पॉवर्टी ही नहीं है। यानी कि सिंपल सी पॉवर्टी की, चलो भाई उनके पास जो है खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े गरीब हैं वे, उनके पास जो है लक्जरियस सामान नहीं है, लेकिन सब वो वैसे कुछ है। लेकिन पेन्यूरी तो बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट पॉवर्टी होती है, कंप्लीट लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता। इट इज़ वन ऑफ द टू स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड्स डेट देयर आर टू डिनोट एब्सेंस ऑफ मनी। दो स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड है, एक तो ये पेन्यूरी हो गया, और एक और वर्ड हम आगे पढ़ेंगे शायद डिस्टिट्यूशन कुछ समथिंग ऐसा वर्ड है वो आगे आएगा। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये ऑब्जेक्ट पॉवर्टी को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों को दिखाते हैं, बिल्कुल डायर को, कम्प्लीटली लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये दोनों जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड हैं, और इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो पेन्यूरियस बनेगा। जो पेन्यूरियस है, जो ये मतलब है बना हुआ तो ये पेन्यूरी से ही है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। होता पॉवर्टी स्ट्राइक का नहीं है, होता गरीबी है, लेकिन बट मोर कॉमनली सिग्निफाइज स्टिंगी क्लोज फिस्ट निगर्डली। यानी कि ये गरीबी मतलब ऐसी गरीबी नहीं जो वाकई में है, ऐसी गरीबी जो दिखाई जाती है लाइक स्टिंगी कंजूसी। तो इसका जो मतलब मीनिंग होगा वो कंजूसी से होगा, क्लोज फिस्टेड, जिसकी जो मुट्ठी है वो हमेशा बंद रहती है, टाइट फिस्टेड आप इसको कह सकते हैं, मुट्ठी टाइट रहती है, जो अपने हाथों से पैसे निकलने ही नहीं देते। सो स्पेयरिंग इन द यूज़ ऑफ मनी एज टू गिव द अपीयरेंस ऑफ पेन्यूरी। यानी कि वो पैसे के यूज़ करने में इतने कंजूस होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो गरीब हैं, मतलब वो अपने आप को गरीब दिखाते हैं, हालांकि उनके पास पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट वो अपने आप को दिखाते इस तरह से हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, और मतलब ट्रैवल नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, लोगों को ये दिखाएंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, हालांकि उनके पास होता है। तो ये कंजूस टाइप के जो लोग होते हैं उनको पेन्यूरियस कहा जाता है, और पेन्यूरियस का ही एक साइनोनिम है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस जो है ये पेन्यूरियस का ही साइनोनिम है। हालांकि जो पेन्यूरियस है वो मच स्ट्रॉन्गर है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन इम्प्लीकेशन, अगर इम्प्लीकेट करें। जो पार्सिमोनियस पर्सन है वो स्टिंगी है, वो कंजूस है, बट जो पेन्यूरियस पर्सन है वो तो ट्वाइस एज स्टिंगी है, यानी कि वो तो डबल कंजूस है। पार्सिमोनियस पर्सन कंजूस है, लेकिन पेन्यूरियस तो डबल कंजूस हुआ एक तरह से। तो पेन्यूरी देन इज़ पॉवर्टी, पेन्यूरी का मतलब पॉवर्टी हुआ, और पेन्यूरियसनेस क्या हुआ, जो पेन्यूरियसनेस है, यानी कि पेन्यूरियस तो एडजेक्टिव बन गया था, और पेन्यूरियस से जो है पेन्यूरियसनेस बनेगा, नाउन बनेगा, और इसका मतलब होगा स्टिंगनेस, कंजूसी, एक्सेसिव फ्रगैलिटी। द नाउन फॉर्म ऑफ पार्सिमोनियस इज पार्सिमोनी, और जो पार्सिमोनियस है इसकी नाउन फॉर्म क्या बनेगी, पार्सिमोनी। तो पार्सिमोनी, पार्सिमोनियस, पेन्यूरियस, पेन्यूरियसनेस, ये सब क्या हुआ, ये कंजूस जो लोग होते हैं उनको दिखाते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, कंजूस के लिए ये शब्द आते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने मैं अभी बताया था कि पेन्यूरी ए समवट मिल्डर वर्ड देन पेन्यूरी फॉर पॉवर्टी, एक कुछ कम मतलब थोड़ा सा कम पेन्यूरी से पॉवर्टी के लिए आता है। इफ़ यू कैन इमेजिन ए मिल डिग्री ऑफ पॉवर्टी इज इंडिजेंस, वो होता है इंडिजेंस।
इंडिजेंस का मतलब क्या होता है, इंडिजेंस से इंडिजेंट बना है। इंडिजेंट पीपल जो होते हैं वो नॉट एब्सोल्युटली पेनीलेस, यानी कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते कि उनके पास पैनी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। दे आर सिंपली लिविंग इन रेड्यूस्ड सर्कमस्टेंसेस, बल्कि वो ऐसे मतलब रेड्यूस सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं, फॉरगोइंग मैनी क्रिएचर कम्फर्ट्स, उन्होंने जो क्रिएचर कम्फर्ट्स होते हैं, जो कम्फर्टेबल चीज़ें होती हैं, वो उनको छोड़नी पड़ती है। फोर्स टू अंडरगो द टाइप ऑफ हार्डशिप, उन्हें हार्डशिप में जीना पड़ता है, डेट में एक्म्प्लीस ए लैक ऑफ सफिशेंट फंड्स, उनके पास सफिशेंट फंड नहीं होता। यानी कि जो लोग इंडिजेंट हैं, इंडिजेंट और पेन्यूरी में क्या फ़र्क है, जो इंडिजेंट हैं वो गरीब तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो वक्त की रोटी ना होकर उनके पास एक वक्त की रोटी हो, या तीन वक्त की रोटी ना होकर दो वक्त की रोटी हो, या वो चार रोटी ना खाकर केवल दो रोटी खाते हों। लेकिन जो पेन्यूरी होते हैं उनके पास तो पता ही नहीं होता कि उन्हें शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर शाम का उनको कहीं से मिल भी गया तो सुबह का खाना उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उन्हें पूरा दिन भूखा भी गुजारना पड़े, उन्हें पूरा दिन खाना भी ना मिले। तो पेन्यूरी और इंडिजेंट में ये फ़र्क होता है। तो इंडिजेंट थोड़ा कम पॉवर्टी हो गया और पेन्यूरी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गया। और जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी कि पेन्यूरी और एक और वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ पर जो ये वर्ड आता है, ऑन द अदर हैंड ए क्लोज साइनोनिम ऑफ पेन्यूरी, पेन्यूरी का साइनोनिम क्या है, डिस्टिट्यूशन। डिस्टिट्यूशन जो है पेन्यूरी का साइनोनिम है। डिस्टिट्यूट पीपल डू नॉट इवन हैव द मीन्स फॉर मेयर सब्सिस्टेंस, जो डिस्टिट्यूट पीपल होते हैं उनके पास तो अपने सब्सिस्टेंस के मीन्स भी नहीं होते, साधन भी नहीं होते। एज सच दे आर परहैप्स ऑन द वर्स ऑफ स्टार्वेशन, मतलब आप कह सकते हो कि वो तो स्टारवेशन की कगार पर है, वो तो भूखमरी की कगार पर है, वो तो भूख से मर जाएंगे, वो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं। डेस्टिट्यूट जो पीपल होते हैं, डेस्टिट्यूट और पेन्यूरी दोनों ही सेम है। पेन्यूरी एंड डेस्टिट्यूशन आर नॉट मेयरली स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पेन्यूरी और डेस्टिट्यूशन हैं वो मतलब सर्कमस्टेंसेस, उनकी परिस्थितियाँ थोड़ी डिफिकल्ट हैं। दे आर डाउन राइट डेस्परेट सर्कमस्टेंसेस, बल्कि उनकी तो जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है, डेस्परेट हो चुकी है। मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी हार्डशिप है चलो कोई बात नहीं ख़त्म हो जाएगी, नो, उनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा वो दयनीय स्थिति में होते हैं, डाउन राइट जो होती है उनकी सर्कमस्टेंसेस। तो डेस्टिट्यूट और पेन्यूरी, ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं, पेन्यूरी डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी और डेस्टिट्यूशंस। टू टर्न नाउ ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, बहुत ज़्यादा गरीबी की बात कर ली, चलिए अब कुछ ब्राइटर साइड पर चलते हैं। एक जगह गरीब लोग होते हैं लेकिन दूसरी जगह कैसे लोग होते हैं, द पजेशन ऑफ मनी, जिनके पास पैसा होता है, स्पेशली इन इंक्रीजिंग अमाउंट्स, और स्पेशली क्या होता है, उनका अमाउंट्स इंक्रीज ही होता रहता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय एफ्लुएंस, और उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एफ्लुएंस। एफ्लुएंट पीपल या पीपल ऑफ एफ्लुएंस, तो मतलब उनको आप एफ्लुएंट पीपल कह सकते हो, पीपल ऑफ एफ्लुएंस कह सकते हो, और दोज लिविंग इन एफ्लुएंट सर्कमस्टेंसेस, या फिर वो लोग जो कि एफ्लुएंट सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, आर मोर देन कम्फर्टेबल, वो कम्फर्टेबल से भी ज़्यादा होते हैं। मतलब एक इंसान तो है कि हाँ चलो उसके पास मतलब तीनों समय का भोजन है, और रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, घूमने के लिए बाइक वगैरह है, स्कूटी वगैरह है, लेकिन जो एफ्लुएंस हैं, जो एफ्लुएंट पीपल होते हैं, वो उनसे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। इन एडिशन देयर इज़ द इम्प्लीकेशन दैट देयर वेल्थ इज इंक्रीजिंग, उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती रहती है। पीपल हु लिव इन एफ्लुएंस प्रोबेबली, जो लोग एफ्लुएंस में रहते हैं प्रोबेबली, उनके पास ओवन लार्ज एंड कॉस्टली होम, अपने बड़े बड़े और बहुत ही महंगे घर होते हैं, रन बिग न्यू कार्स, वो जो है बड़ी बड़ी और नई कारें चलाते हैं, बिलोंग टू एक्सपेंसिव गोल्फ और कंट्री क्लब्स ETC, और वो बिलोंग करते हैं किसी एक्सपेंसिव गोल्फ से या फिर कंट्री क्लब से, यानी कि वो इन सबके मेंबर होंगे, जो एक्सपेंसिव गोल्फ होते हैं या कंट्री क्लब्स होते हैं इन सबके वो मेंबर होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, नई नई कारें होती हैं, बड़ा और महंगा घर उनके पास होता है, तो वो होते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस के बाद एक और उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टर्म आती है, ओपुलेंस। ओपुलेंस क्या है, ओपुलेंस जो है एफ्लुएंस से भी ज़्यादा वेल्थी होते हैं, विच नॉट ओनली इम्प्लाइज मच ग्रेटर वेल्थ दैन एफ्लुएंस, एफ्लुएंस से ज़्यादा पैसा ही उनके पास नहीं होता, बल्कि बट इन एडिशन सजेस्ट लेविस एक्सपेंडिचर्स एंड ऑस्टेंसियसली लग्जीरियस सराउंडिंग्स, उनके जो सराउंडिंग्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा लेविस होते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होती है, उनके घर नहीं महल होते हैं। पीपल ऑफ ओपुलेंस ऑन एस्टेट्स, उनके पास अपने एस्टेट होंगे, ड्राइव ओनली आउटरेजियसली एक्सपेंसिव एंड स्पेशली इक्विपाइड कार्स, और उनकी जो कार होंगी ना वो ऐसी कोई छोटी मोटी कार नहीं होंगी, उनकी जो कार होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज़्यादा आउटरेजियसली एक्सपेंसिव होगी, जैसे रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंजेस, पोर्च, मतलब वो इस तरह की गाड़ी चलाएंगे। हैवी कॉर्प्स ऑफ सर्वेंट, उनके पास नौकरों की लाइन लगी होगी, इंक्लूडिंग ए मेजरडोमो, और उनका भी एक मेन नौकर होगा, यानी कि नौकरों की लाइन लगी होगी और उन पर भी एक हेड सर्वेंट उनके पास होगा।
जैसे जो ऑफुलेंस है उनके पास, उनके घर में हो सकता है कि एक नौकर है या दो नौकर है, जो ज़्यादा चार नौकर हो सकते हैं। चलो भाई एक मतलब एक बगीचे की देखभाल करेगा या एक घर की देखभाल करेगा या एक बर्तन साफ करेगा, इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो ऑफुलेंस लोग होते हैं उनके पास तो नौकरों की लाइन लगी रहती है, और उन सर्वेंट पर कंट्रोल करने के लिए भी एक हेड सर्वेंट होता है। कॉमनली क्या होता है घरों में, हमारे सर्वेंट अगर होते हैं किसी घर में तो वो खुद उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको मतलब ये काम करना है, अगर दो या तीन सर्वेंट है। लेकिन जो ऑपुलेंस होता है उनके पास तो उन पर कंट्रोल करने के लिए भी वो एक सर्वेंट ही रखते हैं, इतने सारे सर्वेंट उनके पास होते हैं। बिलोंग टू गोल्फ एंड याट एंड कंट्री क्लब्स, और वो जो है गोल्फ से बिलोंग करेंगे, याट से, कंट्री क्लब से, ETC से। एम्ब्रॉयडर द फैंटेसी एज मच एज यू विश टू, तो यहाँ पर नॉर्मन जी कहते हैं कि आप जो है फैंटेसी कीजिए कि एक अमीर लोग है, मतलब कोई अमीर है इंसान है और उसके पास क्या क्या हो सकता है, उसको एम्ब्रॉयडर करते रहिए और ज़्यादा पढ़ाते रहिए और ज़्यादा बढ़ाते रहिए कि हाँ उसके पास ये भी होगा, उसके पास जो है डायमंड नेकलेसेस होंगे, उसके पास डायमंड होगा और ये और वो, तो वो सब जो होगा वो ऑपुलेंस होगा। तो ऑपुलेंट में डिस्क्राइब पीपल सराउंडिंग स्टाइल्स ऑफ लाइफ और द लाइक, तो ऑपुलेंट जो है इस तरह के लोगों के पीपल्स को कह सकते हैं। एफुलेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स एट। एफुलेंट बना कैसे है, एफ्लुएंट बना है प्रीफिक्स एड से, एड का मतलब होता है टॉवर्ड, और इसमें फिर हमने फ्लो लगा दिया, FLUO फ्लो, ये जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो यानी कि बहना। तो एफ्लुएंस इज दैट डिलाइटफुल कंडीशन इन विच मनी कीप्स फ्लोइंग टू अस। तो एफ्लुएंस क्या है, वो कंडीशन है, वो डिलाइटफुल कंडीशन है, वो खुशी वाली कंडीशन जो है जिसमें कि जो मनी है वो हमारे पास बहती ही रहती है। एंड नो वन एवर टर्न्स ऑफ द स्पाइकोट, और कोई भी जो है उसके ढक्कन को बंद नहीं करता। मान लीजिए कहीं से कुछ चीज़ बह रही है, आप जो है टोटी होती है ना, जैसे टोटी हम खोलते हैं तो जब उसमें से पानी बहता रहता है तो फिर हम उसको बंद कर देते हैं तो वो पानी बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो मतलब एफ्लुएंस लोग होते हैं उनका जो मनी है वो बहती रहती है और कोई उनको बंद भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, उनके पास पैसे आते ही रहते हैं। अदर वर्ड्स फ्रॉम द सेम रूट फ्लो, जो हमने ये अभी वर्ड पढ़ा FLUO फ्लो, जिससे जो है एफ्लुएंट बना है, इससे और भी वर्ड्स बनते हैं, आर फ्लूइड, फ्लड, फ्लड के बारे में सबको पता है फ्लूइड, इन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, फ्लुएंट, और शायद फ्लड भी यहीं से बना हो, जो बाढ़ होती है, आई थिंक सो, पक्का नहीं मुझे पता, पर चलिए देखते हैं। फ्लड, FLUID फ्लूड तो सबको पता है, फ्लूड जो होता है, और इन्फ्लुएंस किसी का इन्फ्लुएंस पड़ना, किसी का प्रभाव पड़ना, कन्फ्लुएंस फ्लोइंग टुगेदर एक साथ बहना, और फ्लुएंट, फ्लुएंट जैसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्मूथली फ्लो होते हैं। ऑपुलेंट जो है ये ऑपुलेंटस से बना है, वेल्दी, जिसका मतलब होता है वेल्दी, यानी कि एफ्लुएंस जो एड प्लस फ्लो से बना है, लेकिन ऑपुलेंट जो है लैटिन वर्ड ऑपुलेंट से, ऑपुलेंटस से ही आया है। ऑपुलेंटस का मतलब होता है वेल्दी, और इस रूट से इंग्लिश में कोई और वर्ड नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी में और कोई वर्ड आपको इस रूट से नहीं मिलेगा। चलिए ये तो हो गया पैसे की बात और गरीबी की बात। अब डूइंग एंड फीलिंग, हमने एक वर्ड पढ़ा था विकैरियस, अगर आपको याद हो, विकैरियस, विकैरियस क्या होती है, सेकेंड हैंड फीलिंग होती है। इफ़ यू वॉच ए फ्यूरियस एथलीट इवेंट एंड यू गेट टायर्ड, एथलीट्स एक्सपेंड ऑल द एनर्जी, डैट इज़ विकैरियस फटीक। अगर आप कोई एथलीट जो है इवेंट देख रहे हैं और आप थक जाते हैं, हालांकि जो एनर्जी है वो तो एथलीट ने एक्सपेंड की है, मतलब एथलीट ने जो गेम खेला है, जो भी उसने किया है, एनर्जी तो उसकी गई है, लेकिन थकान आपको महसूस होने लगती है। तो ये जो फटीग है, ये जो थकान है, ये विकैरियस फटीग है, यानी कि ये सेकंड हैंड है, क्योंकि वो आपने फील नहीं की, दूसरा कोई फील कर रहा है, तो उससे आप भी फील कर रहे हैं, आप दूसरे की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड है कोई और वो बेंडर हो जाता है, यानी कि एक के बाद एक ड्रिंक वो पीने लगता है, आप उसको देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पी ली हो, मतलब आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको नशा होने लगता है, तो ये विकैरियस इंटॉक्सिकेशन है। अगर आप किसी कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई प्ले आप देख रहे हैं, उसमें आप एक मदर को देखते हैं जिसने कि अपने बेबी को खो दिया है और वो बहुत दुखी हो रही है, रो रही है, और वही फीलिंग जो है आपके अंदर आ जाती है, आप भी जो है रोने लगते हैं, आपको दुख होने लगता है, तो ये विकैरियस टॉर्मेंट है। ये मोस्टली होता है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या हम कोई मतलब सीरियल देख रहे हैं और उसमें कोई बड़ा ही मतलब दुख भरा जो है वो सीन आ जाता है और हमारे भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हम भी रोने लगते हैं, हमारे अंदर भी मतलब अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो वो विकैरियस फीलिंग होती है, सेकेंड हैंड फीलिंग वो होती है। यू कैन एक्सपीरियंस एन इमोशन देन इन टू वेज, तो यहाँ पर नॉर्मन जी कहते हैं कि मोस्टली क्या होता है, इंसान दो तरह से जो है इमोशन को एक्सपीरियंस करता है। एक तो जो है फर्स्ट हैंड, मतलब आपने एक्चुअल पार्टिसिपेंट किया है, आप वास्तव में दुखी है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप परेशान हैं, और दूसरा होता है विकैरियसली, कोई और परेशान है, उसको देखकर आप परेशान हैं। तो दो तरह के एक्सपीरियंस जो है
सॉरी दो तरह के जो इमोशन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लाइफ को बहुत ही डल और कलरलेस जीते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, उनकी लाइफ बिल्कुल डल होती है, वही रूटीन उनका होता है, सुबह को उठना है, ऑफिस जाना है, शाम को आना है, कुछ अपनी लाइफ में कुछ नयापन नहीं कर पाते, कुछ अचीवमेंट या कुछ एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में नहीं होता, कुछ एडवेंचर्स वो नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने बच्चों के थ्रू जीते हैं, या फिर वो कोई रीडिंग कर लेंगे, या फिर थिएटर अटेंड कर लेंगे, थिएटर पे चले जाएंगे, तो वो जितने भी इमोशंस हैं ना वो फेल्ट करते हैं, वो फील करते हैं दूसरों के थ्रू। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो ये नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो करेंगे और मुझे उन्हें देखकर खुशी होगी। हमारा कोई सपना होता है कि हाँ हमें ये बनना है, बट नहीं हम बन पाते, तो हमें लगता है कि चलो हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हमारे बच्चे शायद ये करके दिखा दें तो हमें अच्छा लगेगा, और वो करके दिखा देते हैं अगर, तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो विकैरियस फीलिंग है, विकैरियसली जो है हम जीते हैं। तो टाइम इज़ रिलेटिव, एक और वर्ड हमने पढ़ा था कि जो टाइम इज़ फ्लीटिंग, उसमें दिया हुआ था कि टाइम जो है वो भागता है, दौड़ता है, बहुत कम समय के लिए टाइम आता है। एलिफेंट एंड टर्टल्स लिव आलमोस्ट फॉर एवर, जो एलिफेंट्स और टर्टल्स हैं इन्होंने कहा कि लिव आलमोस्ट फॉर एवर, यानी कि वो हमेशा के लिए जीते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता कि वो हमेशा के लिए जीते हैं, हाँ आप कह सकते हो कि उनके जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे समय तक वो जीते हैं। ह्यूमन बींग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरली ऑफ 68 to 76 ईयर्स। यहाँ पर जो है नॉर्मल लुइस कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ होती थी वो एक्सपेक्ट की गई थी 68 से 76 तक, यानी कि 68 से 76 साल तक एक मनुष्य जीता है। हालांकि दाउ द ग्रेजुअल कंक्वेस्ट ऑफ डिजीज इज कॉन्स्टेंटली लैकिंग अवर स्पेन, यहाँ पर नॉर्मल जी कहते हैं कि हालांकि क्योंकि जो आजकल डिजीज़ पर, बीमारियों पर जो लगातार जो जीत हमें मिल रही है, बीमारियों की दवाएँ हम लोग खोज रहे हैं, तो इससे जो है जीवन बढ़ गया है। हालाँकि अगर हम बात करें तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले तो लोग 100-100 साल तक जीते थे और वो बहुत हेल्दी भी होते थे, लेकिन अब तो जो है 80-90 खिंच जाए बहुत है, 80 भी खिंच जाए तो बहुत ही कम लोग जो हैं मतलब जी पाते हैं बहुत लंबा जीवन। डॉग जो है वो 7 से लेकर 10 साल तक जीते हैं, और कुछ इंसेक्ट एग्जिस्ट फॉर ओनली ए फ्यू आवर्स और डे, और कुछ इंसेक्ट तो ऐसे होते हैं जो या तो कुछ दिनों के लिए ही जिएंगे या फिर कुछ घंटों के लिए। और वन सच शॉर्ट लिव्ड क्रिएचर इज़ द डे फ्लाई, एक ऐसा ही छोटा सा क्रिएचर है जो कि बहुत कम समय के लिए जीता है, और वो है डे फ्लाई, विच इन ग्रीक वाज कॉल्ड एफेमेरा, और ग्रीक में जो इसको कहा गया था एफेमेरा, और यहाँ से ही हमारा वर्ड मिलता है एफेमेरियल। तो हर ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, सो अनएंड्यूरिंग डेट इट स्केसली सीम्स टू आउटलास्ट द डे मे बी कॉल्ड एफेमेरियल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मुश्किल से एक दिन तक भी रह सके तो वो एफेमेरियल कहलाती है। ए साइनोनिम ऑफ एफीमेरियल इज एवेनेसेंट, और एफीमेरियल का एक साइनोनिम है डेट इज एवेनेसेंट, एवेनेसेंट फ्लीटिंग, स्टेइंग फॉर ए रिमार्केबली शॉर्ट टाइम, वैनिशिंग समथिंग इनटेंजिबली लाइक ए फीलिंग मे बी कॉल्ड एवेनेसेंट, यानी कि जो एवेनेसेंट है, एफीमेरियल का साइनोनिम एवेनेसेंट हुआ, तो एवेनेसेंट क्या हुआ, जो मतलब फ्लीट है, जो कि बहुत कम समय के लिए रहती है और वैनिश हो जाती है, बहुत जल्दी वैनिश हो जाती है, जैसे कोई फीलिंग है जो बहुत जल्दी चली जाती है, आप कुछ फील कर पाते हैं उससे पहले ही वो चली जाती है, तो वो एवेनेसेंट कहलाती है। एंड बिफोर यू कैन क्वाइट कॉम्प्रेंड इट, इट्स गॉन वैनिश्ड, लाइक आपको कोई न्यूज़ मिलती है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि नहीं वो तो झूठ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो फीलिंग जो हुई वो एवेनेसेंट हुई, यानी कि वो फीलिंग आई लेकिन उससे पहले कि आप उसको अच्छे से जी पाते, अच्छे से उसको महसूस कर पाते, वो चली गई, तो ये एवेनेसेंट है। द नाउन इज एवेनेसेंस, एवेनेसेंस तो इसका जो नाउन है डेट इज एवेनेसेंस, और वर्ब है एवेनेस, एवेनेस। अब जो है ये एवेनेसेंट ये बना कैसे है, तो एवेनेसेंट जो बना है ये एवेनेसेंट, प्रीफिक्स इसमें एक्स लगा है, एक्स से ई, ई इसमें लग गया जिसका मतलब होता है आउट, और फिर रूट आती है वेनिस को, वेनिस को यानी कि वैनिश, वैनिश हो जाना। द सफिक्स ई एस ई ऑफन बट नॉट ऑलवेज मीन्स बिगिन टू, देखिए जिसमें ये ई एस सी ओ है तो ये ई एस सी ई से आया है जिसका मतलब होता है बिगिन टू, स्टार्ट होना, तो एसेंट में मीन बिकमिंग और बिगिनिंग टू, यानी कि शुरुआत होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, जैसे वैनिश को हो गया तो यानी कि वैनिश होने की शुरुआत होना, एवेनेसेंट वैनिश होने की स्टार्टिंग होना। जैसे और शब्द बनते हैं इसी से, इन्होंने यहाँ पर दिए हैं एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग टू ग्रो अप, बूढ़ा होने की शुरुआत होना, बिगिनिंग टू बिकम एन एडल्ट। एवेनेस तो बिगिन टू वैनिश, एवेनेस जो ऊपर हमने पढ़ा था एवेनेस, कॉन्वलेंस
कॉन्वलेस होता है बिगिन टू गेट वेल आफ्टर इलनेस, बीमार होने के बाद ठीक होना, ठीक होने की शुरुआत होना। और प्यूट्रिसेंट, प्यूट्रिसेंट होता है बिगिनिंग टू रॉट या बिगिनिंग टू बिकम पिट्रिट, यानी कि सड़ना, किसी चीज़ की सड़ने की शुरुआत होना। ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट होता है बिकमिंग ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट हो जाना, पुराना हो जाना। ये जो कॉन्वलेस है ये टीजीटी में आया था इस बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस गुड थिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में देखते हैं। यूफेमिज्म हमने जो है पढ़ा था, यूफेमिज्म पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड या ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सब्स्टिट्यूट होता है किसका, एक ऐसे वर्ड का जो कि ऑफेंड है। कोई ऐसा वर्ड जो कि बोलने में अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह हम कोई और वर्ड यूज़ कर लेते हैं जो कि थोड़ा ठीक लगे, तो वो यूफेमिज्म कहलाता है। यूफेमिज्म में जो है प्रीफिक्स लगा है ई यू, इसका मतलब होता है गुड, और रूट लगी है फेमे, फेमे का मतलब होता है वॉइस, तो द गुड वॉइस यानी कि एक अच्छी वॉइस, और फिर सफिक्स इसमें आई एस एम लगा है। तो एटमोलॉजिकली इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग सैड इन ए गुड वॉइस, कोई ऐसी चीज जो कि अच्छी वॉइस में कही गई हो, और इसका एडजेक्टिव होगा यूफेमिस्टिक। अदर इंग्लिश वर्ड्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रीफिक्स ई यू, और भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि ई यू से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जैसे यूफोनी, सबसे पहला वर्ड आता है यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है गुड साउंड, फोनस से ये आया है, प्लीजेंट लिट और रिदम, फोन, फोन का मतलब साउंड हो गया, तो गुड साउंड, और इसका एडजेक्टिव होगा यूफोनिक या यूफोनियस। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा यूलॉजी, यूलॉजी भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एटिमोलॉजिकली गुड स्पीच, ए फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज, किसी की प्रशंसा में कहे जाने वाले शब्द, किसी की प्रशंसा में कहे जाने वाली कोई छोटी सी स्पीच, और यूजुअली डिलीवर्ड एज ए फनरल ओरेशन, और ये कब जो है डिलीवर की जाती है, फनरल ओरेशन पर डिलीवर की जाती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फनरल होता है, तो उस वक्त जो स्पीच डिलीवर की जाती है उसकी प्रेज में, उसकी प्रशंसा में जो शब्द, जो लाइनें कही जाती है, वो यूलॉजी है। लोगोस इन दिस टर्म मीन्स वर्ड और स्पीच, जो इलोजी जो है ये लोगों से बना है, लोगोस से, हालांकि लोगोस का मतलब साइंस और स्टडी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगोस का मतलब वर्ड होगा, वर्ड होगा यहाँ पर। और बहुत सारे और वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें जो है लोगोस का मतलब वर्ड से लिया जाता है, जैसे यूलॉजी हो गया, फिलोलॉजी हो गया, मोनोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग, इसमें जो वर्ड्स हैं वो मतलब जो इसमें जो लोगोस है वो वर्ड को रेफर करता है, हालांकि जो लोगोस है उसका मोर कॉमनली मीन क्या होता है, साइंस या स्टडी। जैसे बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायो की स्टडी करना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वर्ड्स। तो एपिलॉग और प्रोलॉग इसमें दिए गए हैं, एपिलॉग और प्रोलॉग के बारे में आपको पता ही होगा, एपिलॉग जो कि आफ्टर वर्ड्स और प्रोलॉग बिफोर वर्ड्स, जैसे ड्रामास में भी आते हैं एपिलॉग और प्रोलॉग, कि प्रोलॉग यानी कि ड्रामा स्टार्ट होने से पहले कुछ लाइनें जो है कोरस बताते हैं, और एपिलॉग भी ऐसे ही होता है, कोरस या कोई भी बताता है मतलब, और एपिलॉग होता है ड्रामा ख़त्म होने के बाद कुछ लाइनें बोली जाती हैं। एडजेक्टिव इसका यूलॉजी जो हम पढ़ रहे थे, यूलॉजिस्टिक हो गया, और वर्ब जो है यूलॉजिस हो गई, यूलॉजिस, और वो पर्सन जो कि यूलॉजी डिलीवर करता है उसको हम यूलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि मतलब कोई किसी के बारे में स्पीच देता है, तो वो हो गया यूलॉजिस्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा यूफोरिया, यूफोरिया क्या होती है, गुड फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग, ए सेंस ऑफ मेंटल ब्यूएंसी एंड फिजिकल वेलबींग, यानी कि कोई अच्छी फीलिंग जो कि हमें फिजिकली या फिर मेंटली अच्छी लगे, तो वो होती है यूफोरिया, तो यूफोरिक इसका एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है यूथेंसिया, यूथेंसिया का मतलब होता है गुड डेथ, ये जो है यूथेंसिया यू प्लस थेनेटोस से बना है, थेनेटोस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, तो एक अच्छी मृत्यु। मेथड ऑफ पेनलेस डेथ इन्फ्लिक्टेड ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, नॉट लीगल एट द प्रेजेंट टाइम बट एडवोकेटेड बाई मैनी पीपल, हालांकि ये मतलब प्रेजेंट टाइम में ये लीगल नहीं है बट बहुत से लोग इसको एडवोकेट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान है बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको एक ऐसी बीमारी है जो कि इनक्योरेबल है, वो ठीक ही नहीं हो सकती, बट वो जो है दर्द से तड़फ रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको एक पेनलेस डेथ दे देना, तो वो होती है यूथेंसिया, हालांकि ये लीगल नहीं है, हालांकि बहुत से लोग इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, पेडिनेस हमने एक वर्ड पढ़ा था, पेडिनेस का मतलब होता है हाफ टीजिंग, हाफ टीजिंग मतलब किसी को परेशान करना, बट नॉन मेलिसियस, लेकिन गलत नहीं, मतलब हम आपस में जैसे फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को टीज करते हैं, एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं आपस में, तो वो होता है पेडिनेस, बट उसमें कुछ भी मेलिसियस नहीं होता, मेलिसियस मतलब बुराई, कुछ मतलब गलत वर्ड्स आप यूज़ नहीं करोगे, कुछ गलत आप नहीं करोगे, उसका मतलब दूसरे को हर्ट करना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही हंसी मजाक है, एंजॉयमेंट करना है। फ्रिवोलियस बैंटर, बैंटर भी यही हुआ पेडिनेस, इंटेंडेड टू एम्यूज रैदर देन वाउंड, यानी कि किसी को वाउंड देने के बजाय एम्यूज करना, मतलब आनंद लेना किसी चीज़ का, ना कि किसी को हर्ट करना। तो पेडिनेस जो है इसका क्लोज साइनोनिम भी है पर्सिफ्लास, पर्सिफ्लास
विच इज लिटिल मोर डेराइसिव ए ट्रिफल मोर इंडिकेटिव ऑफ कंटेम्प्ट और मॉकरी बट स्टिल टोटली अनमेलिशियस, यानी कि थोड़ी ज़्यादा हो गई बैडीनेस से लेकिन फिर भी ये अनमेलिशियस है, यानी कि ये भी जो है इसमें भी कुछ गलत नहीं होता। इन लाइन विद बैडीनेस एंड पर्सिफ्लास देयर आर फोर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यू शुड बी फैमिलियर विद, जैसे बैडीनेस है, पर्सिफ्लास है, इसी तरह की और चार वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एक्सप्रेशन को बताते हैं और वो हैं और आपको जो है फैमिलियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डेट इज क्लिशे, बोरमिट, प्लेटिट्यूड और एनोडिन। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो बात करते हैं हम क्लिशे की करते हैं। क्लिशे क्या है? क्लिशे एक पैटर्न है वर्ड्स का विच वाज वंस न्यू एंड फ्रेश बट विच नाउ इज सो ओल्ड, यानी कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा फ्राज जो कि जब आया था तो न्यू था, फ्रेश था, सबको अच्छा लगता था, सब उसे यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, वर्न हो जाता है। एंड दे डिबेयर दैट ओनली बैनल अनइमेजिनेटिव स्पीकर्स एंड राइटर्स एवर यूज इट, यानी कि बस उसके बाद तो कोई अनइमेजिनेटिव स्पीकर्स होते हैं जिनके पास इमेजिनेशन नहीं होती, जो नए वर्ड्स नहीं खोज सकते, नई चीज़ें नहीं बोल सकते, वही उन सबको बोलेंगे, और राइटर्स उसका यूज़ करते हैं क्लिशे का। एग्जाम्पल्स जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, अनसंग हीरोज़, ये जो फराज हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस जब आया था तो बड़ा अच्छा लगा था लेकिन अब तो जो है फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत पुराना हो चुका है। अनसंग हीरोज़, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये भी एक फ्राज इन्होंने दिया है। कंस्पीसियस बाय इट्स अब्सेंस, ग्रीन विद एनीवी, ये कुछ फ्राज दिए गए हैं, तो ये सब जो है क्लिशे हो चुके हैं। द मोस्ट डिवेस्टेटिंग क्रिटिसिज्म यू कैन मेक ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग इज टू से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर हम किसी की राइटिंग को हमें क्रिटिसाइज करना है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ क्लिशेज, ये तो क्लिशे से भरी हुई है। द मोस्ट पॉइंटेड इंसल्ट टू ए पर्सनस वे ऑफ टॉकिंग इज यू स्पीक इन क्लिशेज, यानी कि अगर किसी पर्सन की हमें मतलब इंसल्ट करनी है तो हम उस कह सकते हैं कि तुम्हारा जो स्पीकिंग है वो तो क्लिशे है, यानी कि तुम जो क्लिशे की तरह बात करते हो, पुराने शब्द तुम यूज़ करते हो, बेकार की बातें होती है तुम्हारी, तो वो है क्लिशे। फिर आता है ब्रोमिट। ब्रोमिट क्या है? ब्रोमिट इज एनी ट्राइट डल एंड प्रोबेबली फैलेशियस रिमार्क डेट सोस लिटिल एविडेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि एक ऐसा रिमार्क होता है जो बहुत ही डल होता है, बहुत ही टाइट फ्लेसियस होता है, उसमें कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती, एंड डेट देयर फॉर कन्विसिस ए लिसनर ऑफ द टोटल अब्सेंस ऑफ प्रेस्पिकैसिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर। मतलब क्या होता है कि स्पीकर उसको बोल रहा है और लिसनर को भी पता है कि ये जो है ये मतलब ऐसे ही बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, तो वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। फॉर इंस्टेंस सम कॉशियस डल माइंडेड इंडिविजुअल माइट वॉन्ट यू नॉट टू टेक ए चांस इन दिस वर्ड्स, रिमेंबर इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कोई रिस्क लेने जा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना जो आपको टोकेंगे टोकेंगे, तो वो क्या है, वो मोस्टली मतलब एक ही वर्ड बोल देंगे कोई नया वर्ड बोलने के बजाय। रिमेंबर इट्स बेटर टू सेफ देन सॉरी, इट इज़ बेटर टू सेव देन सॉरी, यानी कि एक फ्राज, एक तरह से कि मतलब कोट है, सेइंग है ये कि मतलब सॉरी होने से तो अच्छा है कि पहले सेफ रहो, तो वो ये लाइन बोल देंगे और आपको भी पता है कि ये तो पुरानी हो चुकी है लाइन, सब यही बोलते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप क्या उसका आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ओ डैट ओल्ड बर्मिट, ये तो बिल्कुल ओल्ड बर्मिट की तरह बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड भी जो है क्लिशे की तरह ही है और ब्रोमिट और क्लिशे की तरह जो है मतलब उसका सिमिलियर है और ये भी डल है, ट्राइट है, हैकनेड है, अनइमेजिनेटिव पैटर्न ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये इंजरी में इंसल्ट करने की तरह है, किसी को मतलब जैसे कहते हैं नहीं कोई इंजर्ड है और उसके और इंसल्ट कर दो, तो वो उसकी तरह है, यानी कि और ज़्यादा जो है प्लेटिट्यूड होता है। द स्पीकर्स यूज़ इट विद एन एयर ऑफ नोवेल्टी एज इफ ही जस्ट मेड इट अप, यानी कि जो स्पीकर है वो उसका ऐसे यूज़ करता है किसी पुराने वर्ड्स का, क्लिशेज का, वो इस तरह से यूज़ करता है कुछ उसमें नयापन लाकर, मानो उसी ने वो बनाया हो। एंड इजंट ही द ब्रिलियंट फेलो, तो यहाँ पर जो है नॉर्मन जी कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि वो ब्रिलियंट फेलो है, यानी कि अगर आपको कोई फेलो ऐसा करता है, आपको कोई साथ इस तरह से करता है, तो आपको तो आपका ब्रिलियंट फेलो हुआ। फिर आता है एनोडिन। एनोडिन क्या है? एक मेडिकल सेंस में अगर हम बात करें मेडिकल सेंस में, तो एनोडिन जो एक ड्रग होती है जो कि पेन को ठीक करती है, दर्द को ठीक करती है, बट वो इलनेस को ठीक नहीं करती, आपकी बीमारी को वो ठीक नहीं करती। आप बीमार है, आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो आपके उस पेन को तो वो रिमूव कर देगी, पेन को ठीक कर देगी, बट आपकी बीमारी को वो ठीक नहीं करेगी, जैसे एस्पिरिन, मॉर्फिन। फिगरेटिवली अगर हम फिगरेटिवली जो उसकी बात करें, फिगर में लेकर उसकी बात करें, तो एनोडिन जो है एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी इंसान के फियर को, एनेक्जाइटाइज को, जो उसकी एनेक्जाइटाइज है उसको कम कर देता है। कोई परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर एनेक्साइटी आ रही है, तो वो उसको कम कर देगा। नॉट बिलीव्ड बाय द स्पीकर बट इंटेंडेड टू बी बिलीव्ड बाय द लिसनर, यानी कि स्पीकर खुद भी उस पर विश्वास नहीं करता, जो स्पीकर बोल रहा है उसे खुद भी उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब माना जाता है कि जो लिसनर है वो शायद उस पर विश्वास कर रहा हो। जैसे कि एक एनेडिन था 1930s के दौरान, 1930s में जब US में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा था,
तो उस टाइम जो है एक एनिडिन हुआ करता था कि प्रॉस्पर्टी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कि प्रॉस्पर्टी बस थोड़ी ही दूर है, बस कोने में तो बैठी आने वाली है। तो ये जो है मतलब जो बोलता था उसे भी पता था कि नहीं इस समय जो है बहुत बुरा समय चल रहा है और अभी जो है टाइम लगेगा, तो लेकिन फिर भी वो बोलते थे। और मतलब जो सुनने वाला था उसको भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो विश्वास करता था कि शायद ऐसा हो जाए। तो ये जो है एनिडिन है। जो ब्रोमिड है इज आल्सो ए ड्रग, वो भी ब्रोमिड जो है वो भी एक ड्रग की तरह है, फॉर्मली यूज एज सेडेटिव, एक सेडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। सेडेटिव डल्स द सेंसेस, सेडेटिव जो है वो सेंसेस को डल कर देते हैं। द स्टेटमेंट्स लेबल्ड ए ब्रोमिड कम्स फ्रॉम ए स्पीकर ऑफ डल विट एंड हैज ए सेडेटिव इफेक्ट ऑन द लिसनर, यानी कि जो स्टेटमेंट है ब्रोमिड जो बोलते हैं वो मतलब बहुत ही डल स्टेटमेंट होता है, डल विट से वो आता है और वो लिसनर पर भी जो है सेडेटिव इफेक्ट डालता है, लिसनर भी जो है उस पर ध्यान नहीं देता, वो भी उसकी बात नहीं सुनता। प्लेटिट्यूड, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये प्लेटिट्यूड जो हमने ऊपर पढ़ा, तो ये जो है प्लेटस से आया है। प्लेटस का मतलब होता है ब्रॉड और फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, और इसमें जो है नाउन लग गया ट्यूड, TUDE। तो जो ये प्लेटी है, वर्ड्स लाइक प्लेटो, प्लेटो भी जो है प्लेटस से आया है, प्लेट, प्लेटर एंड प्लेटिपस। प्लेटो क्या हुआ, फ्लैट लैंड, जो लैंड बिल्कुल फ्लैट है। प्लेट तो आपको पता ही है, प्लेटर होता है फ्लैट डिशेस, और प्लेटिप्स होते हैं फ्लैट फूड, जिसकी फूड बिल्कुल फ्लैट होते हैं उसे प्लेटिप्स कहते हैं। तो ये सब जो है इसी रूट से आई है, जहाँ से प्लेटिट्यूड आया है, यानी ये प्लेटस से ये आई है, PLATYS से आई है। ए फैट स्टेटमेंट, तो प्लेटिट्यूड क्या हुआ, एक फ्लैट स्टेटमेंट, बिल्कुल फ्लैट स्टेटमेंट। वन डेट फॉल्स फ्लैट डिस्पाइट द स्पीकर्स हाई होप्स फॉर इट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, हालांकि स्पीकर को उससे बहुत उम्मीद होती है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बट वो स्टेटमेंट बिल्कुल फ्लैट होता है। और इसका जो एडजेक्टिव हुआ वो हुआ प्लेटिट्यूडिनस, प्लेटिट्यूडिनस। व्हाट ए प्लेटिट्यूडिनस रिमार्क, जैसे कह देते ना कि कितना प्लेटिट्यूडिनस इसका रिमार्क। एनेडिन जो है कॉम्बिनेशन है नेगेटिव प्रीफिक्स एन प्लस ओडिन का, एन प्लस ओडिन से ये बना है। एन का मतलब जो है यहाँ पे नेगेटिव से लिया गया है, और ओडिन का मतलब होता है पेन, यानी कि पेन को ख़त्म करना, पेन नहीं होना। एनोडिन्स एक ड्रग है, एज ड्रग्स मतलब एक ड्रग्स की तरह, जो अगर ये काम करे तो ये पेन को लेस करता है, और अगर स्टेटमेंट की तरह काम करे तो दे आर इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट इमोशनल पेन और एनग्जाइटी। अगर किसी इंसान के अंदर इमोशनल पेन है, कोई इमोशनल दुखी हो रहा है, या किसी के अंदर एनग्जाइटी है, तो जो एनिडिन होता है, एनिडिन जो वर्ड्स होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है, वो उनके दुख दर्द को थोड़ा कम करता है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स, चलिए देखते हैं हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े। फर्स्ट इज पेन्यूरियस, पेन्यूरियस कंजूसी को कहते हैं, पेन्यूरियसनेस, पार्सिमोनियस और पार्सिमोनी, ये सब जो है कंजूसी को कहते हैं। इंडिजेंस, इंडिजेंट, इंडिजेंस और इंडिजेंट जो है ये गरीबी हुई लेकिन थोड़ी कम, और डेस्टिट्यूशन जो है डेस्टिट्यूट और डेस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा गरीबी, लाइक पेन्यूरी की तरह। एफ्लुएंस और एफ्लुएंट अमीर लोगों को कहते हैं, और ओपुलेंस और ओपुलेंट उनसे भी ज़्यादा अमीर, यानी कि एफ्लुएंस से भी ज़्यादा अमीर लोग। एविनेसेंट, एविनेसेंस, एविनेस, ये सब जो है एवेनेसेंट, एवेनेसेंस और एवेनेस, यानी कि जो बहुत कम समय के लिए रहे, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहे, अल्प समय के लिए जो रहे, अल्पकालिक। यूफेमिस्टिक, यूफोनी, यूफोनिक, यूफोनियस, ये जो क्या हुआ, ये अच्छी जो चीज़ होती है उनको कहते हैं यूलोजी, यूलोजिस्टिक, यूलोजाइज। और यूफोरिया, यूफोरिया अच्छी फीलिंग होती है, यूफोरिक। यूथेंसिया, गुड डेथ, अच्छी डेथ अगर किसी को दे दी जाए। और पर्सिफ्लास, क्लीशे, ब्रोमिड, ब्रोमिडिक, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूडिनस, एनोडिन, ये सब स्टेटमेंट होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जो बिल्कुल मतलब बेकार होते हैं एक तरह से। तो चलिए फिर एक्सरसाइज देखते हैं, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। नेक्स्ट पेन्यूरियस, सबसे पहला हमारा जो वर्ड है डेट इज़ पेन्यूरियस, और पेन्यूरियस जो है क्या हुआ, कंजूस टाइप लोगों को कहते हैं, तो ये हुआ स्टिकी और टाइट फिस्टेड। इंडिजेंट, इंडिजेंट क्या होता है, इंडिजेंट जो है गरीबी, पुअर, लिमिटेड मींस, जिसके पास मींस बहुत लिमिटेड होते हैं। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है जो कि वेल्दी हो, जिसके पास पैसा हो, तो एफ्लुएंट का होगा ई। एवेनेसेंट, एवेनेसेंट जो कि बहुत समय कम समय के लिए रहे, एक तरह से फ्लिटिंग। यूफेमिस्टिक, यूफेमिस्टिक, तो यूफेमिस्टिक होगा इनऑफेंसिव। और यूफोनियस, यूफोनियस होगा प्लीजेंट इन साउंड। और यूफोरिक, यूफोरिक अच्छी फीलिंग होती है, फीलिंग टिप टॉप। और प्लेटिटिनस, फ्लैट या ट्राइट, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्सिमोनी, पार्सिमोनी क्या होता है, पार्सिमोनी हुआ स्टिंगनेस, स्टिंगिनेस। डिस्टिट्यूशंस, डिस्टिट्यूशंस जो है बहुत ज़्यादा गरीबी, तो ये हो जाएगा पॉवर्टी। ऑप्युलेंस, लेविस लग्जरी, बहुत ज़्यादा लग्जरी।
एवनेसेंस बहुत कम समय के लिए रहना, तो ये होगा इम्परमानेंस। यूफोनी प्लीजेंट साउंड हो गया, प्लीजेंट साउंड। यूफोरिया अच्छी फीलिंग होती है, तो ये होगा फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। यूथेंसिया गुड डेथ, तो गुड डेथ होगा पेनलेस डेथ। और प्लेटिट्यूड बिल्कुल ट्राइट रिमार्क, फ्लैट या ट्राइट रिमार्क। नेक्स्ट एनोडिन, एनोडिन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है बिल्कुल जो ट्राइट स्टेटमेंट एक तरह से। ब्रोमिड नहीं सॉरी, जो ये एनोडिन होगा, तो एनोडिन तो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि दूसरे के दुख दर्द को कम करे, तो स्टेटमेंट इंटेंडेड टू एलय एन एग्जाइटी। और ब्रोमिड हुआ ट्राइट स्टेटमेंट। पर्सिफ्लास, पर्सिफ्लास हुआ लाइट टीजिंग बैंटर, लाइक जो हमने पढ़ा था बैडिनेस की तरह। यूलोजी, यूलोजी हुआ हाईली हाई फॉर्मल प्रेस। और पेन्यूरिसनेस, पेन्यूरिसनेस हुआ टाइट फिस्टिडनेस। और इंडिजेंस, इंडिजेंस पॉवर्टी वॉन्ट और एफ्लुएंस वेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं पर्सिमोनियस, तो पर्सिमोनियस कंजूसी होता है, तो इसका होगा स्टिंगी या फर्गल। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट बहुत ज़्यादा पॉवर्टी। इन वॉन्ट, एच होगा इसका। ऑपुलेंट बहुत ज़्यादा जो है मतलब पैसे वाला, तो इसका हो जाएगा ऑस्टेंसियसली वेल्थी। विकेरियस सेकेंड हैंड होता है विकेरियस। और यूफोनिक प्लीजेंट साउंड, तो प्लीजेंट साउंडिंग हो गया इसका। यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक तो किसी की मतलब प्रशंसा करना, प्रेज। एवेनेस, एवेनेस बहुत कम समय के लिए रहना, तो ये होगा बिगिन टू वैनिश, यानी कि वैनिश होने लगता है। यूलोजाइज, यूलोजिज तो यूलोजिज क्या होगा, हाईली प्रेजिंग। ब्रोमिडिक, ब्रोमिडिक होता है स्टिल इन एक्सप्रेशन। और क्लिशे हैकनेट फेरास, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं फ्रास। अब देखिए डू पेन्यूरस पीपल सेटिस्फाई देर एक्स्ट्रावेजेंट डिज़ायर्स, जो पेन्यूरस पीपल होते हैं वो तो कंजूस लोग होते हैं, तो क्या वो अपनी एक्स्ट्रावेजेंट डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो तो जो है कंजूस है तो वो क्यों करेंगे। और पेन्यूरसनेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए माइजर, बिल्कुल पेन्यूरस और माइजर एक ही बात है। इफ़ यू आर पार्सिमोनियस विद प्रेज, डू यू लेविस इट ऑन अदर्स, अगर आप पार्सिमोनियस हैं प्रेज में, तो क्या आप इसको दूसरे लोगों पर लेविश कर देंगे? नहीं करेंगे। जो पार्सिमोनियस होते हैं वो भी तो जो है कंजूस होते हैं। आर पीपल विद एक्सट्रीमली लो इनकम फोर्स टू लिव ए लाइफ ऑफ पार्सिमोनी? नो। इस इंडिजेंस ए साइन ऑफ वेल्थ? नो, इंडिजेंस तो जो है गरीबी का है। इंडिजेंट पीपल ऑफन एडिड बाय स्टेट वेलफेयर, जो इंडिजेंट पीपल होते हैं उनको स्टेट वेलफेयर के द्वारा सहायता दी जाती है? येस। इफ़ यू लिव इन स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन, डू यू हैव ऑल द मनी यू नीड? नो, डेस्टिट्यूशन में होंगे तो हमारे पास तो पैसा होगा ही नहीं, तो नीड का पैसा कहाँ से आ जाएगा। इज़ ए कम्प्लीटली डेस्टिट्यूट पर्सन लाइकली टू हैव टू लिव इन वॉन्ट? येस, वो इन वॉन्ट में ही रहता है। डज ए पर्सन ऑफ एफ्लुएंस जनरली हैव पैटी मनी वरीज? नो, एफ्लुएंस के पास तो बहुत पैसा होगा, तो उसके पास वरीज कहाँ से आ जाएंगी पैसे के लेकर। आर ऑपुलेंट सराउंडिंग्स इंडिकेटिव ऑफ ग्रेट वेल्थ? बिल्कुल ग्रेट वेल्थ ही होती है वहाँ तो। कैन यू एंगेज इन विकेरियस एक्सप्लॉइट्स बाय रीडिंग स्पाई नॉवेल्स? बिल्कुल, अगर हम स्पाई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं तो हमें विकेरियस फीलिंग आ सकती है। डज एन एवेनसेंट फीलिंग रिमेन फॉर ए कंसिडरेबल टाइम? फॉर ए कंसिडरेबल टाइम नो, वो तो बहुत कम समय के लिए रहती है। डू पेरेंट्स जनरली इंडल्ग इन यूफेमिज्म इन फ्रंट ऑफ यंग चिल्ड्रन? येस। इज पॉवर्टी जनरली यूफोनियस? पोइट्री सॉरी, तो येस पोइट्री तो यूफोनियस ही होती है। अच्छी होगी पोइट्री तभी तो लोग पढ़ेंगे। डज ए सिंसियर इलोजी इंडिकेट्स वन फीलिंग्स ऑफ एडमायरेशन? येस, यूलोजी में तो अपनी एडमायरेशन ही देते हैं। इज यूफेरिया ए फीलिंग ऑफ मेलाइज? नो, यूफेरिया तो अच्छी फीलिंग होती है, तो मेलाइज कहाँ से आ गया। यूथेंसिया प्रैक्टाइज्ड ऑन एनिमल्स? येस। इज पर्सिफ्लास एंड इंडिकेशन ऑफ सीरियसनेस? नो, पर्सिफ्लास तो हंसी मजाक करना हुआ। डज ए लाइब्रेरियन यूज ऑफ क्लिशेस शोज ओरिजिनल थिंकिंग? नो, क्लिशेस ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती, बल्कि पुराने ही फैराज होते हैं जो खत्म हो चुके हैं। इज एन एंडिन इंटेंडेड टू रिलीव फियर्स? येस, फियर्स को रिलीव करता है एंडिन स्टेटमेंट। इज ए प्लेटिट्यूड फ्लैट एंडल? येस। इफ़ ए पर्सन यूजेज ब्रोमिड्स इज ही लाइकली टू बी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनिस्ट? नो, अगर वो ब्रोमिड्स है तो वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा। इफ़ यू इंडल्ग इन पर्सिफ्लास आर यू बींग फेसेसियस? येस। आर द वर्क्स ऑफ बिथोवियन कंसिडर्ड यूफोनियस? येस। कैन पेरेंट्स रिसीव ए विकेरियस थ्रिल फ्रॉम द चिल्ड्रंस टूम्स? येस। ए स्टेटमेंट यूजुअली अनट्रू मीन टू एलिवेटिव फियर। अब हमें जो है यहाँ पर वर्ड्स बताने हैं कि ये क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हालांकि अनट्रू होता है लेकिन फिर भी जो दूसरे लोग हैं उनके फियर को जो है वो कुछ कम कर देता था, तो डेट इज़ एनोडिन, तो वो हो जाएगा ANODIN।
PYNE एनोलिन। लाइट बेंटर तो पी से दिया गया है तो पर्सिफ्लाज हो जाएगा, पर्सिफ्लाज। फिर आता है ए हेक्नेट फराज जो कि हेक्नेट हो चुका है तो क्लीशे। फ्लीटिंग लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक रहना, तो ये हो जाएगा एवेनसेंट या इफीमेरियल भी हो जाएगा, एफ ए मेरियल, ई पी एच ई एम ई आर ए एल। लोडेटरी डिलीवर्ड इन टोन्स ऑफ फॉर्मल प्रेज, फॉर्मल प्रेज यूलोजिस्टिक हो गया। एडजेक्टिव बताना है तो यूलोजिस्टिक। प्रोसेस ऑफ पेनलेसली पुटिंग टू डेथ ए विक्टिम ऑफ एन इनक्योरेबल डिजीज, तो ये होता है यूथेंसिया, यूथेंसिया किसी को जो है पेनलेस डेथ देना। स्टिंगी जो कंजूस होते हैं, तो कंजूस कौन होते हैं, पार्सिमोनियस या पेन्यूरियस, पेन्यूरियस या फिर पार्सिमोनियस हो गया। इनवॉन्ट डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। और वेल्थ जिनके पास होते, तो ए से दिया गया है तो एफ्लुएंस हो गया, और इमेंस वेल्थ ये ओपुलेंस हो गया, ओ पी यू एल ई एन सी ई, ओपुलेंस। एडवर्ब डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ रेस्पोंडिंग एम्पैथेटिकली टू अनदर्स एक्ट, तो ये विकेरियस हो गया, विकेरियसली। स्टिंगनेस क्या हो गया, पार्सिमोनी या फिर पेन्यूरियसनेस। और पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या हो गया, आई से दिया गया है तो इंडिजेंस, इंडिजेंस। नेक्स्ट, अच्छा दो दिए गए, इंडिजेंस और ये हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। इम्परमानेंस जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है, तो वो क्या हो गया, एफीमेरिट, ई पी एच ई एम ई आर ए एल ई एल आई टी वाई, एफीमेरिटी। प्लीजिंग साउंड तो यूफोनी, यूफोनी। और सब्स्टिट्यूटिंग इन ऑफेंसिव वर्ड तो यूफेमिस्टिक, यूफे मिस्टिक। सेंस ऑफ वेल बींग यूफोरिया, यूफोरिया। ट्राइट रिमार्क तो ब्रोमाइड हो गया। पैनल रिमार्क प्लेटिट्यूड। बिगिन टू वैनिश जो कि वैनिश होने लगे तो एवेनेस, ई वी ई, ई वी ए एन ई एस सी ई। पॉवर्टी स्ट्राइकन तो पॉवर्टी स्ट्राइकन क्या हुआ, इंडिजेंट, इंडी जेंट। वेल्दी, वेल्दी के लिए दो जो है इन्होंने वो दिए गए हैं, तो ये एफ्यूलेंट और ओप्यूलेंट हो जाएगा, एफ्यूलेंट और ओप्यूलेंट। फीलिंग टिपटो अच्छी फीलिंग आना तो यूफोरिक हो गया, यूफोरिक। फिर होता है प्लीजेंट इन साउंड तो एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, यूफोनिक और यूफोनियस, यूफोनिक और यूफोनियस। फॉर्मल प्रेज तो यूलोजी हो गया। और ट्राइट, ट्राइट बी से दिया गया तो ब्रोमिडिक, एडजेक्टिव बताना है इसलिए ब्रोमिडिक हो गया। फ्लैट ये भी एडजेक्टिव है तो ये हो जाएगा प्लैटिट्यूडिनोस, प्लैटिट्यूडिनियस। और टू प्रेस किसी की प्रशंसा करना तो ये वर्ब हो गया तो यूलोजिस, यूलोजिस। नेक्स्ट, बस यही थे, तो एंड ऑफ सेशन 40, 40 सेशन का ये एंड होता है।